लिटरेसी मैं हूँ आपकी दोस्त राधि। सो कल है एक्सपायरी एंड हम एक्सपायरी से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं अभी वीडियो में। प्लस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पे कि आज किस तरीके से चौपी मार्केट रहा और आप सेव हो सकते थे। एंड सबसे पहले तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी ना तो जाके देखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये मार्क करके दिया था कि इस लेवल के ऊपर ही हमारी बाइंग होनी चाहिए। अगर कल का वीडियो का टॉपिक भी हमारा फोमो ट्रेडिंग था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस रेंज में जो फंसा है उसको वेट करना चाहिए था मार्केट को अपसाइड या फिर इस लाइन के डाउनसाइड निकलने का, क्योंकि इस रेंज में जो फंसा वो बहुत ज्यादा चौपी मार्केट में फंस गया। इसके ऊपर या इसके नीचे उसे ट्रेड करना चाहिए था, मैंने कल एक्सप्लेन किया था। तो सेम वे से जब मैंने कल एक्सप्लेन किया तो वही व्यू मैंने आज के लिए बताया था कि इसी लेवल को हम जो है आज के लिए वेंसडे के लिए यूज करेंगे फॉर द अपसाइड एंड डाउनसाइड टारगेट्स। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है, प्राइस जो है, वो पूरा टाइम सिर्फ इसी अपसाइड एंड डाउनसाइड के एक रेंज में फंसा रहा। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा चौपी हो गया मार्केट। एक पैटर्न वाइज हमारा ट्रेड यहाँ पर बना था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज इनसाइड कैंडल रिवर्सल, लेकिन अभी यहाँ पर एकदम से जो है बिना इस चीज को बैक टेस्ट करे मैं ये वाली चीज आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीखने की वाली चीज यहाँ पर ऐसी है कि अगर रेसिस्टेंस के पास आपको इस टाइप की इनसाइड कैंडल मिलती है, प्लस में इनसाइड कैंडल के बाद अगर आपको उसका डाउन साइड में ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अब ये सेम चीज मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती हूँ। रेसिस्टेंस के पास आपको इनसाइड कैंडल मिली, इसका डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते थे। द सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ कि रेसिस्टेंस के पास आपको जो इनसाइड कैंडल मिली, इसका डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ, आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर एक ये पॉइंट था, ऊपर से यहाँ पे गिरावट का पॉइंट इसलिए भी था क्योंकि पहले भी यहाँ पे इन्हीं वाले जोन से सेलर्स एक्टिव हुए थे, देन सेकेंड टाइम भी सेलर्स एक्टिव हुए थे, एंड देन आज थर्ड टाइम भी सेलर्स एक्टिव हुए हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हैमर कैंडल बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, जिसके स्क्रीनशॉट्स मुझे बहुत मिले हैं क्योंकि कल मैंने ये सेम हैमर कैंडल पे ना लर्निंग जो चार्ट्स थे वो योडी में दिए थे। अब मैं जाके आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देती हूँ क्योंकि लर्निंग चार्ट्स मैं ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं दिखा सकती, बट अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो मैंने ना कल फिर निफ्टी में समझाया था कि डोजी कैंडल पर हमारा ट्रेड किस तरीके से बनता है। ठीक है, इसके अलावा निफ्टी में किस तरीके से प्लान्ड था, इसके अलावा हमारा बैंक निफ्टी में हैमर कैंडल पे किस तरीके से ट्रेड प्लान था, ये कल ही चीजें समझी और इसी के बेसिस पर आज बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी लिया। और अगर आप देखोगे तो एंट्री लेवल 488 एंड 552 का ऑलमोस्ट हाई, यानी 60-70 पॉइंट्स का मोमेंटम था यहाँ पे। देन इसके बाद आता है हमारा पैटर्न ट्रेड। अब जिन्होंने डब्लू पैटर्न का ट्रेड यहाँ पर किया है, डब्लू पैटर्न का ट्रेड जिन्होंने यहाँ पे किया है, उन्होंने इनसाइड कैंडल का कॉन्टिन्यूएशन यहाँ पर ट्रेड किया, लेकिन ऑलमोस्ट इसका जो ब्रेकआउट आया वो इस कैंडल के साथ आया था 12:20 पे। उसके बाद इनसाइड कैंडल आई, इनसाइड कैंडल का कॉन्टिन्यूएशन आया। अगर आप देखोगे तो SL नहीं आया, लेकिन अगर आप वैसे भी देखोगे तो ये मार्केट बहुत ज्यादा चौपी होके ऊपर गई है। ठीक है, और यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा तो इतना रिवॉर्ड यहाँ पे मिला नहीं होगा क्योंकि हर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक डाउन साइड में रेड कैंडल बन रही थी, तो इस लेवल पर मार्केट बहुत ज्यादा चौपी हो गया। अब ये हमने समझ लिया प्राइस, इसको समझने के बाद कल के लिए फिर हमारा क्या प्लान बनता है? सिंपल से रिंग है, जिस लेवल पर आज इतने ज्यादा सेलर्स एक्टिव थे, अगर कल वो लेवल निकला तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो इस दिन का हाई था 18 जुलाई का, उसके डे हाई तक। ठीक है, इस लेवल के ऊपर 45,657 टू 660 के ऊपर हम 45,914 के लेवल्स देखेंगे। अगर प्राइस जो है डाउन साइड में निकल जाता है, ठीक है, अपसाइड की जगह अगर ये जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन साइड में ब्रेक हो जाती है तो फिर हम डाउन साइड के लेवल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट कल के दिन का लो एंड देन फिर पिछले दिन का लो, इस तरीके से हम लोज लेकर यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट लेके चलेंगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर है अपसाइड या डाउन साइड में। बाकी थर्सडे का जो मोमेंटम है वो थोड़ा ऑपोजिट आता है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग अच्छी हुई है, देन उसके बाद मंडे की क्लोजिंग अच्छी हुई है। हाँ, जो ट्यूसडे थी उसकी उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर ऑब्वियसली मार्केट जो था आज पूरा रेंज में चला गया वेंसडे को। सो अब देखना, नोटिस करना ये है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है। सेम केस विद निफ्टी, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम ही चीज़ थी, लेकिन निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। आप देखोगे लास्ट में 767 से 852, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का जो मूवमेंट था हमें यहाँ पे देखने को ही मिला निफ्टी में। एंड आई ऑलवेज से कि जो कैंडल्स है वो मार्केट शुरू होती है अनप्रोफेशनल्स के थ्रू, लेकिन जो क्लोजिंग है वो हमेशा प्रोफेशनल्स करवाते हैं।
इस मार्केट में यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो थोड़ी स्ट्रोंग है. अगर कल ये मेंटेन रहता है अपसाइड का मोमेंटम तो हमें कॉन्टिन्यूएशन दिखेगा, बट अगर ये लेवल नहीं निकल पाता, अगर आप ये वाला लेवल देख रहे हो तो यहाँ से एक दो दिन तक मार्केट ने टाइम पास किया है. अगर ये लेवल कल नहीं निकल पाता और डाउन साइड में ब्रेकआउट आता है इस ट्रेंड लाइन का, तो हम डाउन साइड का एक जो व्यू है वो लेके चल सकते हैं. सबसे बड़ा हर्डल और सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा यही लेवल है 19693 का. इसके बीच में रेंज बाउंड है, प्लीज रेंज बाउंड मार्केट में आप ट्रेड मत ही करना. मैंने कल भी मना किया था और आज आपने सेव भी हुए उस चीज से, तो कल के लिए इस चीज का ध्यान रखना. इसके ऊपर बाइंग, ये हमारा रेंज बाउंड एरिया, इसके नीचे सेलिंग, एंड विल सी कि मार्केट किस डायरेक्शन में कल मूव देता है. एंड सेम थिंग जो मैंने आपको अभी बैंक निफ्टी में समझाया वो निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है कि ऑन द टॉप, ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो ऑन द टॉप नियर रेसिस्टेंस अगर आपको इस तरीके से इनसाइड कैंडल मिली और उसका ब्रेकआउट मिला है तो काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है. दिस इज अ नाइस सेटअप. इसको और भी डीपली एक्सप्लेन करूंगी मैं आगे. अगर आपको ये वाला सेटअप चाहिए इस तरीके से इनसाइड कैंडल रिवर्सल का तो बताना, एक दिन बैठ के बैक टेस्ट करेंगे इसका. ठीक है, सो आई होप कि आई हैव मेड क्लियर ऑल द पॉइंट्स. अभी आपको योडी ज्वाइन करना है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक चैनल पर मिल जाएगी. मुझसे कुछ डाउट हो उनकी सारी क्वेरी आप यहाँ पर, मेरी ऑलरेडी आईडी पिन है वहाँ पर मिल जाएगी. पब्लिक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आपको धन में अकाउंट ओपन करके भी आप अपना जो एक्सेस है वो 2 महीने के लिए फ्री ले सकते हो ईओडी में, बट आई नीड एक्टिव अकाउंट. आपको उसमें ट्रेड करना पड़ेगा, सिर्फ अकाउंट नहीं बनाना है. सो विद दिस थैंक यू सो मच. बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी.